तो उसको हम लॉन्च करने में कामयाब हो गए। मैंने उसको इस यहाँ भी लॉन्च किया पाकिस्तान में और यूएसए में भी लॉन्च किया है, तो दोनों जगह पे काम हो रहे हैं। अगस्त में हमने हॉस्पिटल का इफ्तिताह किया है जो गरीबों के लिए है, जो ज़कात के मुस्तहिक हैं उनके लिए है। हम उनको एक कार्ड इशू करते हैं, वो लेके आते हैं अपनी दवाई, उनको टॉप दवाई मिलती है, हम दो नंबर दवाई बिल्कुल लेके नहीं आते। कई लोग कहते हैं दीदी आप दवाई बड़ी महंगी है, जो पैसे दे के दवाई लेते हैं। हम उनसे कहते हैं कि हम हमारा टारगेट आप लोग नहीं है, अगर आप कहीं और जाकर दवाई लेना चाहते हैं तो चले जाएं। आपकी वजह से मैं दवाइयों का स्टैंडर्ड नीचे नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे दो हफ्ते हो गए यहाँ से यहाँ आए हुए। मैं जब बीमार हुआ, मेरे बच्चे बीमार हुए, मैंने वहीं से जाकर दवाई ली, वही दवाई खाई, यही मेरा टारगेट था। और आप मुख्तलिफ गांव से आए हैं, प्लीज आप साबर मेमोरियल फाउंडेशन के सफीर बन के बाहर जाएं, लोगों को बताएं कि यहाँ पे फ्री इलाज होता है, फ्री दवाइयाँ मिलती हैं, ताकि वो अपने फॉर्म वगैरह कंप्लीट करें और अपना कार्ड बनवा लें। जब भी उनको जरूरत हो वो दवाइयों का इस्तेमाल करें, हॉस्पिटल में आए। और हमारा अगला प्रोजेक्ट जो है वो एम्बुलेंस सर्विस का था, जो मैंने अनाउंस किया था कि दिसंबर में लॉन्च करेंगे। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि आज के दिन उसको लॉन्च करते, अभी उसको लॉन्च करते, लेकिन कुछ मुश्किलात की वजह से हम उसको लॉन्च नहीं कर सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक या उससे नेक्स्ट वीक हम उसको लॉन्च कर देंगे। हमने एम्बुलेंस वगैरह ले ली है तो उसको भी शुरू करवा देंगे इंशाल्लाह ताला। जब आप उलमाए किराम यहाँ बैठे हैं, जब आप अपनी मस्जिदों में जाएं, अपने लोगों को एजुकेट करें। आपका नेबर, आज से मैं ये कहता हूँ कि अगर आपका नेबर बीमार है और आपने उसको नहीं बताया कि यहाँ से इलाज हो सकता है, उसका आप भी जिम्मेदार होंगे, मैं भी जिम्मेदार हूँ। यही नबी पाक की तालीम है, यही नबी पाक की तालीम है। पिछले दिनों एक हफ्ते पहले मैं फैसलाबाद में था, तो मैं ये सच्चा वाकया, मैं जा रहा था तो मैं जुनेद जमशेद साहब की बहुत बड़ी शॉप उसके पास से गुजरा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं आपको बता नहीं सकता क्या कैफियत थी वो, कि आज मरहूम अल्लाह ताला के पास जा चुके हैं। ये सारे का सारा, सारी की सारी शॉप उन्होंने न्यूजर्सी में लॉन्च कर दी, उन्होंने शिकागो में लॉन्च कर दी, हर जगह लंदे का फलंदा फड़े का पड़ा रहे, एक चीज साथ लेके नहीं जा सके। और इससे मुझे तकबीयत मिली, मेरा इरादा और मुस्तहकम हो गया कि जो कुछ मैं कर सका, जो कुछ मेरे साथी कर सके, वो हम जरूर करेंगे, ताकि हम उस बंदे को ढूंढें जो जिसको आज की जरूरत है। ये सबसे बेहतरीन सदका है कि किसी बीमार का इलाज करवाना, उसकी हेल्प करना। आप भी हमारा साथ दें, आप सब लोग इसके सफीर बन जाएं, आप सब लोग इसके लिए काम करें। शौकत साहब यहाँ बैठे हैं, उनसे पूछें कि उनको क्या हेल्प चाहिए, दूसरे लोगों को पूछें, आप हमारे पास हैं, हम आपके पास आते हैं, तो आप कुछ ना कुछ टाइम निकालें जरूर इंशाल्लाह। और इसके लिए दुआ भी करें हमारे लिए कि हम कामयाब हो जाएं। एक अगर आप इजाजत दें, मैं नाथ खान तो नहीं हूँ, लेकिन जिंदगी से मेरी ये ख्वाहिश थी कि कभी अल्लाह मियाँ मेरा नाथ खान में नाम लिखवा दे, तो कभी जब थोक का सौदा हो ना, तो सारे के सारे नाथ खान चले जाओ, मैं भी पीछे निकल। बस सिर्फ अरे साहब ने वही नाथ पढ़ी है, मेरी फेवरेट है, मैं उसको दिन रात गुनगुनाता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ। और वीर अली शाह साहब ने जो नबी पाक को देख के लिए नाथ, जब उनकी ख्वाब में वो आए तो देख के लिए नाथ, और ऐसे मोती प्रोले हैं उसके अंदर कि मजा आ जाता है पढ़ के। तो आप भी मेरा साथ देना सारे लोग, तो अगर इतनी सर जानते हैं तो मैं आज सिख मित्रां दी पतेरी आज सिख मित्रां दी पतेरी क्यों दिलड़ी उ
किसी की दिलदारी हो,